केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व त्यांचे पुत्र नितेश राणे यांना अटकपूर्व जामीन आज मंजूर केला. 15,000 रुपयांच्या जात मुचलक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आलेला आहे. जामीन मंजूर झाल्यावर नारायण राणे यांच्या वकिलांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. माननीय जज साहेबांनी ऍप्लिकेशन मंजूर केलेले आहे आणि 15,000 रुपये जामीन दिले. दुसरं काही स्ट्रिक्ट कंडिशन नाही आहे. का म्हणजे एवढं किरकोळ मॅटर आहे. माझी एकच विनंती आहे मुंबई पोलिसांना, एवढं क्राईम्स चालले मुंबईमध्ये, त्यांचे मागे तुम्ही लागा. असले पॉलिटिकल केसेस तुम्ही घेऊन उगीच ज्युडिशियल सिस्टमला ओव्हरबर्डन करू नका. आणि माझी एवढाच विनंती आहे की एवढं सगळं बोललं तरी परत ते नवीन नवीन केसेस ते रजिस्टर करतात राणेंच्या विरुद्ध. बरेच दुसरे क्राईम्स आहेत, त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही करा. ज्या प्रकारे हा इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही सगळं डीसीपींना आणि आयओना पाठवला होता रोज, तसं तुम्ही दुसरे कामासाठी मागे लागा. सर, मात्र नारायण राणेंवर दुसरी एक परत FIR दाखल केलेली आहे, त्यामुळे असं वाटतंय का प्रत्येक ह्याच्यामध्ये त्यांच्यावर एक FIR दाखल करतायत आणि त्रास दिला जातोय? दर एक FIR मध्ये बेल ऑर्डर मिळत चाललंय आणि बघू सर नेम जे काही करतात करू देते ना. नेमक्या बेल नॉट टू टॅम्पर विथ विटनेस आणि नॉट टू इंटरफेअर विथ विटनेसेस. पुलिस को मेरा एक ही विनंती है कि मुंबई में एवडे इतने कांड चले हैं, एवडे क्राइम चले हैं, आप उनके पीछे लगो. जो सीरियस ऑफेंडर्स है, क्राइम है, उनको आप इन्वेस्टिगेट करते नहीं है. मर्डर केसेस होते हैं, गैंग वॉर होते हैं, पुलिस के ऑफिसर खुद खंडनी करते हैं, हफ्ता लेते हैं अंगड़िया से, उनके पीछे आप लागो. दूसरा और काम करो जो पब्लिक को आसरा मिले, पॉलिटिकल केसेस आप छोड़ दो. सर, इस तरह से लगातार कल 2.25 घंटे की जो बहस हुई थी, आपने भी अपना पक्ष अभी देखिए, इतना फालतू केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजने की क्या जरूरत है? और पूरे पुलिस फोर्स खड़ी थी पीछे कोड़ी DCP को पकड़ के. एक टोटली इलीगल है और जो भी आपको करना है अच्छे केस में तुम करो. सर, इस दौरान दिशा सालियन के बॉयफ्रेंड को भी कोर्ट परिसर में बुलाया गया था, उसका क्या? देखो, हमने कोई इसके बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था. उसको भी उन्होंने कोर्ट में लेके आए. उन्होंने ये भी बोला कि वो दारू सेवन करती थी. हमने उसका कोई जिक्र नहीं किया है. प्रोसिक्यूशन ने जिक्र किया था कि वो दारू सेवन की थी. ये सब फालतू चीज़ें छोड़ के बाकी सब जो सीरियस क्राइम्स है उसके पीछे आप लगे. क्या इस पूरे पॉलिटिकल सीन पे वो देख के उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उनके पीछे लगातार चले हैं. उन्होंने बोला कि हमने 5 केसेस रजिस्टर किया है, किसी भी केस में उनके खिलाफ ठोस एविडेंस आया नहीं है. नितेश राणे के खिलाफ 15 केसेस है, वो भी फालतू केसेस है. तो ये सब छोड़ के आप अपने काम पे लगाओ. जामीन को लेकर कोई कंडीशन रखी गई है? जामीन को लेकर कोई कंडीशन रखी गई? जामीन को लेकर 15,000 की जमानत, नॉट टू टेम्पर विद एविडेंस, और विटनेसेस का टेम्परिंग नहीं करना है. वो तो नॉर्मल है, सब केस में ऐसे ही होता है. और देखिए, ये तो दोनों पब्लिक फिगर्स है, नितेश राणे और नारायण राणे साहब, वो थोड़ी ऐसे काम करें. जिस तरह से लगातार राणे जी ने आरोप लगाया था, क्या आरोपों को लेकर कोर्ट की तरफ कोई? इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ. जो भी होगी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी. सर, प्रकरण हाईकोर्ट जब आए सुनवाई हुई तब मैं प्रेजेंट करूँ हाईकोर्ट में.